भाई मित्रों दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट तथा इतिहास वाले रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम प्राचीन भारत के इतिहास पर कुछ प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस करवाने के पहले ही हम आपको कुछ कुछ टिप्स बताएंगे कि क्वेश्चन हल करने के पहले जैसे शुरू कीजिए, दिमाग में बात होनी चाहिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और ऑप्शन में हम मान लेते हैं, भले आपको पहला ऑप्शन आ रहा हो, दूसरा आ रहा, किंतु कुछ क्षण के लिए चारों ऑप्शन पर जाना चाहिए। ये हल करने के तौर तरीके हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी चारों ऑप्शन में कौन सा हड़प्पा सभ्यता को सूट कर रहा है, क्या है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, नहीं थी? क्वेश्चन में करिए नहीं, यस नो में निगेटिव में जाना चाहिए, नहीं थी। गाय उनके लिए सबसे पवित्र थी, नहीं थी। इसलिए देखिएगा, इस दूसरा क्वेश्चन जोड़ रहे हैं इसलिए कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में हमारे हिंदू परिवार में जितने पशु देख रहे हैं आप, खुदाई में लमसम सारे पशुओं का साक्ष्य मिला, एक पशु का साक्ष्य कहीं नहीं मिला। वह पशु दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा, गाय का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कहीं से नहीं मिला। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना सीखा। पशुपति का मतलब शिव, यही है आपका सी, आप इसमें आंसर आ रहा है कि पशुपति। अब इसके माध्यम से हम आसपास के जितने 4, 6, 10 क्वेश्चन हैं सब लपेट लेते हैं। सुनो आप लोग कि सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता में, नोट करते जाइएगा, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य, धर्म पर हैं, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, नो में जानिए, किंतु हड़प्पा वासियों के धर्म का ज्ञान कैसे हुआ आप लोगों का पूछना है। तो विभिन्न मूर्तियों मुद्राओं और पत्थर की प्रतिमाओं से हड़प्पा वासियों का धर्म का ज्ञान हुआ था। अरे भाई मोहनजोदड़ो आप जान रहे हैं, जानते रहेगा, मोहनजोदड़ो से भगवान शिव की विशाल पत्थर की प्रतिमा, मिट्टी की अनेक बनी स्त्रियों की मूर्ति, मुद्रा, रुपया पैसा बैंक का प्रचलन नहीं था, ये भी जानिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। किंतु यहां जो हम मुद्रा का नाम ले रहे हैं, मुद्रा को ये लोग ताबीज के रूप में धारण करते थे, ताबीज को विभिन्न देवी देवताओं के चित्र खुदे होते। मान लीजिए मैं ताबीज पहना हूं, मुद्रा पहना हूं, मैहर दर्शन करने गए, अब आते समय एक्सीडेंट हुआ, मर गए, दफना दिए गए, 100 साल बाद खुदाई हुआ तो पता चला कि रघुवंशी सर बहुत बड़ी मैहर देवी के ताबीज पहने हुए, इसलिए इसका मतलब उस समय मैहर देवी देवी की पूजा होती थी। अब आप आगे बढ़िए, सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की उपासना पशुपति के रूप में, याद रखिएगा यही तो है, भगवान शिव की उपासना पशुपति के रूप में होती थी। और इसके अलावा शिव के लिंग पूजन और शिव का वाहन नंदी बैल का भी विशेष महत्व था, इतना जानते रहिए। और इसके अलावा सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की उपासना, नोट कर लीजिए कहीं, सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की उपासना देवी मातृ देवी के रूप में होती थी। जैसे आज वर्तमान में हम लोग लक्ष्मी चामुंडा काली की उपासना करते हैं, केवल नाम बदला हुआ है, वहां देवी मातृ देवी, मातृ देवी पेपर में कहीं कहीं देवी माता की उपासना कौन लोग करते थे, सिंधुवासी करते थे, पशुपति की उपासना, देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों का हुआ। आगे देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए,
सिंधु से ही सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, पतन समझ रहे हैं, बंदरगाह, इसका अर्थ समझिए, बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब जहां से सामान उतारी चढ़ाई जाती है, जल मार्ग से जो व्यापार होता है ना, जहां से सामान उतारी चढ़ाई जाती है, उसी को बंदरगाह पत्तन भी कहते हैं। किससे पेपर में घुमा के पूछा गया है, देखिए समझ लीजिए कि जहाजों की गोदीवाड़ा, यानी बंदरगाह के दो और नाम हैं, पत्तन गोदीवाड़ा, याद रखिएगा गोदीवाड़ा। तो कभी बंदरगाह पूछा, कभी पत्तन पूछा, कभी पूछा है जहाजों की गोदीवाड़ा। ये देखिए बंदरगाह लिखा है ना, कौन सा स्थान बता रहा है, कालीबंगा नहीं, लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो, तो आप बता ले जाएगा लोथल, बंदरगाह पत्तन, यहीं पर रुक जाइए। छह नगर बड़े महत्वपूर्ण है, छह को जान जाइए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे, आगे चौथे नंबर पर कालीबंगा राजस्थान में, किस नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे, आगे पांचवा लोथल, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ये लोथल कहाँ, गुजरात में, गुजरात में। और छठवां नगर है आपका बनवाली, बनवाली किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, कहाँ, हरियाणा में, हरियाणा में। देख रहे हैं ये छह नगर हुए, छह नगर का आप लोग थोड़ा सा किताबों से और विस्तार देख लीजिएगा कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। देख रहे छह नगरों की खुदाई बता दे रहे, क्रम से बता दे रहे, हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के निर्देश में, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी के निर्देश में, और चन्नूदड़ो की खुदाई 1931 में, क्रम से जा रहे हैं, गोपाल मजूमदार के निर्देश में, कालीबंगा की खुदाई 1951 में, किसके, अमलानंद घोष ब्रजवासी के निर्देश में, और लोथल की खुदाई 1954 में रंगनाथ राव के निर्देश में, और बनवाली की खुदाई 1974 में, किसके निर्देश में, रविंद्रनाथ विष्ट, आर्यन विष्ट। आगे ये लोथल हो गया है आपका, याद रखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आगे हम लोग तीसरे नंबर पर जाते हैं, तीसरे नंबर पर गए तो तीसरा आपका आ गया है, ये देखिए तीसरा आपको बता रहा है कि प्रारंभिक, अब देख रहे आर्यों के बारे में, मतलब अभी आप देखोगे ना कि सिंधु सभ्यता के पतन के, सिंधु सभ्यता का पतन सर्वसम्मति से बाढ़ के कारण माना गया है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ था, उस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, देख जोड़ दिए हम लेके, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, वेदों पर आधारित, हम लोगों का हिंदू धर्म जो है ना वो वैदिक धर्म ही है, तो वैदिक सभ्यता, वेदों पर आधारित सभ्यता को वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के रचयिता आर्य लोग थे, देखिए जोड़ दिए ले आकर के हम यहाँ पर, इसका मतलब हमारे धर्म के रचयिता आर्य लोग थे। क्या कहा जा रहा, प्रारंभिक आर्य, आर्य लोग यहाँ के निवासी नहीं थे, अभी बताते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, बात सही है, वे घुड़सवारी, बड़े अच्छा फुर्तीला घोड़े पर चढ़कर के एक राज्य से दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे, ये भी बात सही है, इसी तरह रीजनिंग करना चाहिए। अगर आप तोड़ मरोड़ करके चैप्टर को पढ़े हैं तब रीजनिंग कर पाएंगे, इधर उधर जैसे लोग आते हैं हल कराए और चले गए, उसका कोई मतलब नहीं, जब तक व्याख्या नहीं करोगे
तब चिंतन नहीं करोगे तब तक हल नहीं हो पाता है कायदे से। ये क्या कहा, वे कई झुंडों में भारत आए थे, बात सही है, कई ग्रुपों में आए थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नगरों में निवास नहीं करते थे, शहरी सभ्यता, यही बहुत बड़ा अंतर है, वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता में, वैदिक सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर है कि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। याद रखिएगा, वहाँ के लोगों का रहन सहन नगर जैसे शहर जैसे, किंतु वैदिक सभ्यता का रहन सहन ग्रामीण थी, गांव के परिवेश में ये लोग थे, इनकी संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। इसका मतलब चौथा नहीं है इसमें, देख रहे हैं सही नहीं है। कभी कभी पेपर हल हम खुद ही गलती करते थे, कंपटीशन देते थे, पता चला कि यहाँ तक पढ़े ही नहीं अखट से लगा के निकल गए, ये को कि संस्कृत बोलते थे, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों हर परीक्षा में पर्दा पड़ जाता था आंखों पर, उसको ग्रह नक्षत्र कहिए या लक कहिए, भाग्य नसीब में नौकरी थी ही नहीं, आकर के राहु केतु आंखों पर छा जाता था। ये गलती नहीं, सही नहीं, किनारे तक जाइए पढ़ करके सीख लीजिए पेपर कैसे हल करना चाहिए, हम भी बहुत परीक्षाओं को दिए हैं। ये हो गया आपका, अब आइए थोड़ा सा आर्यों के बारे में, हमारे पास तो बहुत मैटर है, आर्यों के बारे में थोड़ा सा जानिए कि जो हमारे धर्म के रचयिता थे, वेद के रचयिता थे, आर्य लोग कहाँ, सुनिए आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे तो आप बताना, आर्य लोग मध्य एशिया ईरान के, आया हुआ क्वेश्चन है, आर्य लोग मध्य एशिया ईरान के मूल निवासी थे, मध्य एशिया से किस रूप में, तो आप बताना आक्रमणकारी के रूप में वहां से चले, क्या लेकर, घोड़ रथ को घोड़ा में लगाकर एक राज्य से दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करते थे, इनके जीवन में अस्थाई तो नहीं था, संस्कृत बोलते थे, इनकी भाषा संस्कृत थी, आ गए भारत के सात नदियों वाले प्रदेश, सप्त सैंधव आया है, सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में आकर आर्य लोग बस गए। वे सात नदियां नाम जानेंगे, पूरा वर्तमान नाम जानेंगे, पुराना नाम जानेंगे, तब सुरक्षित रहोगे आप, कोई क्वेश्चन हल करने से सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या कहा जा रहा, सात नदियों वाले प्रदेश में आ, सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य लोग आकर बस गए, सातों का नाम ले लीजिए, सिंधु सरस्वती सतलज ब्यास रावी झेलम चेनाब। प्राचीन नाम क्या है, सिंध का प्राचीन नाम सिंधु, सिंध का प्राचीन नाम सिंधु, सरस्वती नदीतमा सिंधु सरस्वती, सतलज सतुद्री ब्यास पिपासा और सिंधु सरस्वती सतलज ब्यास रावी परुषणी झेलम बीतस्ता और चेनाब अस्किनी, सात नदियों वाले प्रदेश में आकर आर्य लोग बस गए थे और किसके, वेदों के रचयिता बने, यानी हमारे धर्म के रचयिता बने। इसका मतलब महर्षि वेद व्यास भी आर्य ही रहे होंगे, महर्षि वेद व्यास भी आर्य ही रहे होंगे। ये देखिए वेदों के रचयिता बने, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, आर्यों के जीवन में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार, एक बार, यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार, तीन बार, याद रखिएगा, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में तीन बार, आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु और सबसे पवित्र सरस्वती नदी, देख रहे हैं, ये है हमारे पास तो बहुत मैटर है। ठीक है, कुल मिला के आस पास जो क्वेश्चन है उनको तो हम बता ही देंगे आपको इसके माध्यम से, देख रहे हैं ना, ये है आपका इसका, इनकी संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, ये क्या कहा जा रहा है, देख रहे हैं?
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। ए है, सी है आपका, ये देखिए ना, सी है आपका ऋग्वेद। अब देखिए इसी के बारे में, यहाँ तो जान गए उत्तर, इतने से काम नहीं चलेगा। अब आपको ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ, ऋग्वेद विश्व का प्राचीन, पूरे वर्ल्ड का है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी ये ईसवी के 1500 साल पहले, ईसा पूर्व में हम लोग माइनस में चलते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त, आप लोग जानते हो मंडल, मंडल का अर्थ है नहीं जानते हैं, मंडल का मतलब पार्ट, भागों में, 10 भागों में बटा है, 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब ईश्वर की वाणी, ईश्वर ने 1028 स्थानों पर कुछ कहा है। श्लोक सामान्य मानव द्वारा रचा माना गया है और सूक्त ईश्वर की वाणी। अब देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त, 3 मंडल हम आपको बड़ा क्लियर बता दे रहे हैं, पर तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, देख रहे हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ओम भू भूर्वस सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे, यही पर जान लीजिए। नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, नोट कर लीजिए, नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आगे बढ़िए, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का नाम आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन और ले लीजिए, चारों की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में माना गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से बाहु से क्षत्रिय, जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चलिए इसका आपको ये तीसरा है सी। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, पांचवा क्वेश्चन आ गया। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, किसने किया था? तो यहां तो उत्तर है पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में सी, देख रहे अशोक, कनिष्क, अभी सबके बारे में बता दे रहे हैं, हर्ष, हर्ष। यहां उत्तर जो है सी है, पहले तो जान लो अपना उत्तर जान लो, इसके बाद आपको हम बता देते हैं पांचों बौद्ध सभाएं बता देते हैं, अभी 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाइए। पहले तो आप ये जाने कि पांचवी बौद्ध परिषद हर्ष के समय में कन्नौज, स्थान याद रखिएगा, कन्नौज में संपन्न हुई थी। बौद्ध धर्म में वैसे सर्वसम्मति जो मिली है, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, याद रखिएगा 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? 3 बिहार में हुई है, क्रम से याद करने का तरीका डेवलप करिए, 3 बिहार में हुई क्रम से, चौथी कश्मीर में, राजगृह बिहार में, वैशाली, पहली राजगृह बिहार में सभा, राजा आजाद शत्रु था, दूसरी बिहार में ही वैशाली, उस समय राजा कालाशोक था, तीसरी बिहार में पाटलिपुत्र अशोक के समय में, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के समय में, कनिष्क के चारों सभाएं कायदे से जानिए। और इसके बाद आप है न बौद्ध है न, गौतम बुद्ध के बारे में जानिए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य गृह त्याग किए, गृह त्याग को एक नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के जीवन में किस घटना से रिलेटेड है तो गृह त्याग बताइए। 3 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया बता रहे हैं जो आप नहीं जानते हो, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से संबंधित है, और
छह वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे, अंत में 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया। चलिए आप लोगों को हम बोध गया ले चलते हैं। बोध गया के निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ, ये तो जानते हो आप। प्रथम उपदेश को एक नाम दिया गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम 80 वर्ष की अवस्था तक घूम घूम कर उपदेश देते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु, मृत्यु को भी एक नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। मृत्यु महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। चलो आगे निकलो, हम तो और बताना चाह रहे हैं। आगे निकलो, हमारी इच्छा तो और व्याख्या करने की, पूरा बौद्ध धर्म की व्याख्या करने की मेरी इच्छा है, किंतु यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा सर जल्दी कर, थोड़ा जल्दी करिए सर। और लोग हैं ना लाइन में, लोग बहुत सारे टीचर लाइन में खड़े हुए हैं सब, जो है हमारे यहाँ ये रजत है ना, तो रजत जो है, दिवाकर भी है, दिवाकर रजत इन्हीं दोनों के संरक्षण में हमेशा चलता रहता है। तो आइए छठवां क्वेश्चन, निम्न से बौद्ध साहित्य के, देख रहे हैं बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। सबसे पहले बौद्ध धर्म पर गौतम बुद्ध, बौद्ध साहित्य, तीन बड़ा प्रश्न, अभी हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर से हम आपको तीन चार क्वेश्चन टॉप का शानदार क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये देखिए, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, पाली भाषा कहाँ की क्षेत्रीय भाषा, दक्षिणी बिहार की क्षेत्रीय भाषा। अभी आप जैन में जाएंगे ना, ठीक इसी का उल्टा कर देना, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में कहाँ की, उत्तरी बिहार की क्षेत्रीय भाषा। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, दक्षिणी बिहार की क्षेत्रीय भाषा। तीन बड़े बहुत प्रसिद्ध हमको हम बता दे रहे हैं यहां पर, आप यहां से निकाल लेना। तीन बड़े प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं, एक जातक ग्रंथ, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का संकलन है ना जातक में, एक त्रिपिटक ग्रंथ। हमारा संकेत समझना है आप लोग, त्रिपिटक ग्रंथ, और तीसरा है मिलिंद पन्नो ग्रंथ। मिलिंद, तीनों नोट करिए, जातक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ, मिलिंद पन्नो ग्रंथ, याद कर रहे हैं? तो यहां से ढूंढ लीजिए, अब तो मिल गया उत्तर आपको। बहुत अच्छा, त्रिपिटक उपनिषद अंग आरक्षण। अभी हमको बोलना हो ना तो हम एक एक घंटा ये सब पर बोलते रहेंगे, किंतु हम यहीं पर रोक रहे हैं अपने को। त्रिपिटक ग्रंथ, ये तो आपका सही है, एक नंबर सही है आपका यहाँ। अब देखिए जातक में क्या है, पहला जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का संकलन है, ये भी आया हुआ है। बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है, ये भी जानना कि बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है। बुद्ध या ज्ञानी बनने के बाद जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। बुद्ध या ज्ञानी बनने के पहले 550 बार जन्म लिए थे। सभी जन्मों की काल्पनिक कथाएं किस ग्रंथ में, जातक ग्रंथ में। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक का मतलब तीन पिटारियां, तीन बक्से, एक बक्सा, दो बक्सा, तीन बक्सा। बक्सों में घरों में सामान भरी रहती है। यहां क्या है, गौतम बुद्ध ज्ञानी बन गए, आपको भी ज्ञानी बनाने का प्रयास कर, मतलब कह लीजिए कि तीनों त्रिपिटक हैं, तीन पिटक हैं, तीन बक्से हैं। विनय पिटक, नोट करिए, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों में गौतम बुद्ध का उपदेश संकलित है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। आगे बढ़ गए, कभी बहुत डिटेल मिलना है तो आप लाइन के क्लास में मिलिए, तब देखिए फिर कितना जबरदस्त व्याख्या करते हैं। अजंता, ये देखिए क्या है, बहुत संसार प्रसिद्ध गुफा है, ये भी जानिए कि संसार प्रसिद्ध गुफा है। देखिए यहीं से हम क्वेश्चन बनाने लगे, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है, हड़प्पा से नहीं है,
निगेटिव में जाइए, मौर्य से नहीं है, बौद्ध से नहीं है, है गुप्त काल से। ये देखिए पूरा गुप्त काल का, पूरा गुप्त काल का चैप्टर हमारे दिमाग में घूमने लगा। इस तरह तैयारी होना चाहिए कि अब आप देखेंगे ना तो गुप्त काल में गुफाओं के दीवारों पर, यहां तो उत्तर जान ही गए आप कि गुप्त काल गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। तो यहाँ भी अजंता में, महा अजंता में भी गुफाओं के दीवारों पर चित्र बने हैं। किसके? गौतम बुद्ध के चित्र बने हैं। अजंत देख रहे हैं, दो गुप्त काल में दो बड़ी प्रसिद्ध, एक तो ये बहुत प्रसिद्ध है अजंता गुफा। अजंता गुफा गुफा के बारे में जान लीजिए। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, याद रखिएगा औरंगाबाद नहीं भूलना। अजंता गुफा का संबंध केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका मतलब गौतम बुद्ध के चित्र बने मिले। और अलग अलग समय में अलग 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 वंश के राजा अजंता गुफा अजंता में पहुंचकर गुफा बनवाए। कुल गुफाएं 30 थी, बहुत सारे गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। गुफा नंबर 16, 17, 19 तीनों गुप्त काल से रिलेटेड हैं। देख रहे हैं ना, जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? क्लियर तो हो गया। एक बार और सुन लीजिए कि अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह गुफा केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ कुल 30 गुफाएं थी, बहुत सारी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अरे गुप्तकाल में जाएंगे ना तो गुप्तकाल में जाएंगे तो बाघ की भी गुफा है मध्य प्रदेश में। गुप्तकाल बाघ की गुफा मध्य प्रदेश। हाँ चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो है हमको सुनाना हो तो पूरा गुप्तकाल हम सुना देते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पर पहुंच रहे हैं। चित्रकला का गांधार शैली सूत्रपात। ये देखिए गांधार कहाँ? वर्तमान में अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। वर्तमान अब सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान के द्वारा, महायान के द्वारा, वैष्णव के द्वारा, शैव के द्वारा। महायान है यहाँ आपका, याद रखिएगा महायान। अरे भाई बौद्ध धर्म की जो चौथी, अब यहीं से हम सुनाना शुरू किए, बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा काश्मीर के कुंडल वन में हुई थी ना, उस सभा में अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। देख रहे हैं अश्वघोष, अभी हमको क्वेश्चन बनाना तो हम वसुमित्र पर भी बना देंगे, अश्वघोष पर भी बन। पिछली बार सुपर टेट जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है ना, उसमें पूछा था बुद्ध चरित के लेखक का नाम बताओ, अश्वघोष। और वसुमित्र जो थे ना माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक थे, यानी बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा हुई थी ना काश्मीर, उसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। हीनयानियों का कहना था, हीनयान मोक्ष को लेकर के, कि अपने अंदर के वासनाओं बुराइयों को समाप्त, अपने अंदर के वासनाओं बुराइयों को समाप्त करो, ज्ञानी बनो, मोक्ष प्राप्त कर लो, दुनिया भार में जाए। महायान का कहना था नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के बाद अपने मोक्ष का लाभ तब तक न लेना जब तक पूरे दुनिया वालों को मोक्ष न दिला लेना है। यानी देख रहे हैं महा कहाँ किसके काल में, अभी आप चले जाओ ना कि ये गांधार कला शैली का विकास किस राजा के समय में विकास, कनिष्क के समय में। कुषाण वंश का राजा कनिष्क था। कनिष्क कितने में? 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था। 78 ईस्वी में ही कनिष्क क्या किया था, अपने राज्य 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के अवसर पर एक शक संवत चलाया था। शक संवत को भारत सरकार किस रूप में, हिंदी महीने के रूप में स्वीकार कर ली, जिसका पहला महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। कनिष्क की दो राजधानियां पुरुषपुर, कनिष्क की दो राजधानियां थी पुरुषपुर, पेशावर पाकिस्तान, मथुरा, दोनों नोट कर लीजिए। कनिष्क के समय में दो कला शैलियों का विकास हुआ था, एक गांधार कला शैली, एक मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ये यूनानी तथा भारतीय कला शैलियों का मिश्रण है। यह गांधार कला शैली का संबंध केवल एक धर्म से, बौद्ध धर्म से, यानी गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी, वह गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाने में दो देशों की टेक्नोलॉजी ली गई थी, कहाँ? यूनान और भारत, उसी को कहा गया है मिश्रण। कौन? गांधार कला शैली, केवल एक धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित। किसके समय में विकास हुआ? कनिष्क के समय में विकास हुआ। दूसरी कला शैली मथुरा कला शैली,
मथुरा कला मथुरा कला शैली का विकास करने से मथुरा कला शैली का शुद्ध भारतीय शैली थे। तीन धर्मों से संबंध हिंदू जैन बौद्ध से कनिष्क के समय में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कनिष्क के दरबार में चार विद्वान थे। चारों के बारे में अगर आप परीक्षा देना जाना चाहते जाते हैं तो चारों के बारे में जान के जाइएगा। चार अश्वघोष, नागार्जुन, सबके बारे में हमारे पास मैटर है। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, ये देख रहे हैं, चारों विद्वान के बारे में जान लीजिएगा। ठीक, चले चलते हैं नौ नंबर पे। देख रहे हैं आधा घंटा हो गया हम लोगों को नौ नंबर। ये देख, बुद्ध धम्म संघ मिलाकर कहलाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म का है त्रिरत्न। आप जैन के त्रिरत्न को जानते हो, बौद्ध के त्रिरत्न को कम लोग जानते हैं। दोनों में त्रिरत्न है, वो अलग प्रश्न है कि जैन का ज्यादा चर्चित है। जैन में कि त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहां का क्या है? बुद्ध धम्म संघ, दोनों मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए हैं। अरे भाई, बुद्ध बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, अगर जन्म मरण के चक्र से छुटकारा बनना, छुटकारा जो हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो बुद्ध बनो, ज्ञानी बनो। बुद्ध कैसे बनोगे? धम्म बुद्ध तभी बनोगे जब आपके पास नैतिक नियम आचरण। धम्म सीखने के लिए कहां, धम्म नैतिक आचरण को सीखने के लिए कहां पहुंचेंगे? संघ में आ जाइए, संघ में। यहां क्या कहा? बुद्ध धम्म संघ मिलाकर त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, देखा, जैन का नहीं। आगे बढ़ते हैं, दस नंबर पर पहुंचे मगध। बुद्ध के समय की घटना, बिहार, इसको लिख लीजिएगा, बिहार, वर्तमान बिहार, कहाँ? पटना और गया वाला क्षेत्र है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी? मगध। बुद्ध के समय में मगध आप लाइन की क्लास में पढ़ाते हैं ना, हेडिंग दिलवाते हैं, बुद्ध के समय में मगध राज्य का उत्कर्ष एवं विकास। मगध राज्य में कुल तीन वंश, हर्यक वंश, नोट कर लीजिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक, अभी आप खोज लोगे, हम ऊपर से ही बता रहे हैं। देखिए, हम इसमें आपको नहीं बता रहे किंतु यहीं पर व्याख्या कर ले रहे हैं, अपने आप खोज लेंगे। मगध राज्य में कुल तीन वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश का पहला राजा बिम्बिसार मगध हर्यक वंश की स्थापना किया था और नया नगर राजगृह को बसाकर मगध राज्य की राजधानी बना लिया था। बिंदुसार का पुत्र गद्दी के पर बैठने के लिए अजात शत्रु अपने पिता बिम्बिसार का मर्डर कर दिया था। देख रहे हैं ना, तो इसमें से तो मिल गया मगध राज्य के उत्थान। शुरू में आप बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार अशोक का पिता है, ये नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हल करना सीखिए। अजात शत्रु भी नहीं है क्योंकि ये बिम्बिसार का पुत्र था। बिम्बिसार यही है मगध का पहला राजा उठाने वाला, कि तुम मर्डर कर दिया था। कौन मर्डर किया था? इसी का पुत्र गद्दी के लिए मर्डर कर दिया। अरे इसका भी मर्डर होगा, आगे देखिए ना। उदयन का, इसका अजात शत्रु का पुत्र उदयन मर्डर करके गद्दी पर बैठ जाएगा। जो आज पटना नहीं देख रहे हैं, उदयन पटना पाटलिपुत्र को बसाया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बिम्बिसार है। महाभाष्य देख रहे हैं, महाभाष्य। अरे आपको आया है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि मौर्य वंश के पतन के ठीक बाद कौन सा वंश आया था, तो आप बताइएगा। शुंग वंश की एकमात्र जानकारी का स्रोत क्या है? महाभाष्य। कौन लिखा है? महर्षि पतंजलि। हम नहीं देख रहे हैं, इस पर अभी हम नहीं गए हैं, आप ढूंढ लेना। हम ऊपर वाली ही लाइन, हमारी नजरें जान के नजर नहीं ले जा रहे हैं। महाभाष्य के लेखक
महर्षि पतंजलि थे। देख रहे हैं महर्षि पतंजलि, यहीं पर क्या होगा जानते हैं? आइए हम आसपास का 6-7 क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। मौर्य बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपने राजा बृहद्रथ की बृहद्रथ का मर्डर करके शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया था। यज्ञ के पुरोहित कौन थे? या मिल गया ना, महर्षि पतंजलि। पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का हत्यारा कहा गया पुष्यमित्र को। क्यों? क्योंकि अशोक 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश की जानकारी का स्रोत मनु स्मृति महाभाष्य से भी मिलता है। देख रहा ये इसमें पतंजलि है। आगे बढ़ गए, यूनानियों पर हम लोग पहुंच रहे हैं। देखो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देख रहे हैं यूनानियों का बड़ा आतंक था। अरे भाई जितने विदेशी आए हैं देख नहीं रहे यहाँ क्या, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानी, ये वाली जितनी एरिया देख रहे हैं, मध्य एशिया, ईरान है, जितने आए थे सब इधर से पहाड़ी इलाका पाते थे, घुस जाते थे यूनानियों। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा गया। ये भी क्वेश्चन आया है, किस राजा को इंडिया का मुक्तिदाता कहा गया? चंद्रगुप्त। क्यों? क्यों आप ढूंढ लेना, हम व्याख्या करें, मेरी निगाह इस पर अभी नहीं जा रही, लास्ट में जाएगी। के क्योंकि चंद्रगुप्त भारत को यूनानियों से मुक्त कराया था। चंद्रगुप्त का गुरु, चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? चाणक्य। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त, एक और नाम था कौटिल्य। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र रुपया पैसा मुद्रा से संबंधित, अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित उल्लेख है अर्थशास्त्र। ये देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य यूनानियों को भारत से मुक्त करा है। देख रहे हैं इसमें क्या है? यूनानियों चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है ये तो। अरे यार इसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये मौर्य वंश का है, ये गुप्त वंश का है, गलती ना करिएगा। ये दोनों जो देख रहे हैं ये मौर्य वंश के हैं। अरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। देख रहे हैं दो क्वेश्चन इसी में मिल गया। अभी हम चाहें ना तो तीनों पर खूब अच्छा खासा क्वेश्चन, किंतु ये दोनों बच्चे जो हैं ना रजत और दिवाकर हमको इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सर जल्दी करो, लाइन लगी है टीचरों की जो है। चलो ये हो गया आप लोगों का। ये देखिए ये इसको लेके चलिए, मौर्य वंश का देख ही लिए हैं आप लोग। अरे इसी समय तो देख सुन लीजिए 2-3 क्वेश्चन और कि चंद्रगुप्त यूनान का राजा सेल्यूकस निकेटर, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त ये देखो संयोग से निकेटर हार गया, अब कोई रास्ता नहीं देख रहा है तो अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उस भारतीय राजा का नाम बताओ जिसकी पत्नी यूनानी थी, हेलेना। अरे आप सीरियल में देखो हेलेना बड़ी खतरनाक किस्म की महिला देखती है, हर समय कुछ ना कुछ जो है साजिश रचती रहती है। हेलेना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12-13 नंबर पर पहुंचो आप, 13 नंबर पर पहुंचिए। क्या कहा जा रहा, कहाँ किस चैप्टर से रिलेटेड है ये पहले देखा जाए। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवाना, अरे यहीं से तो है, मौर्य वंश तो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक। अशोक अब अशोक के बारे में सुन लीजिए, अशोक को देवा नाम प्रिय ढूंढ लीजिएगा। अभी हम व्याख्या कर दे रहे हैं, हम यहीं से व्याख्या, मेरी निगाह इधर नहीं गई। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक था, अशोक बिंदुसार का पुत्र ना, बिंदुसार का पुत्र अशोक था।
बिंदुसार, अरे बिंदुसार के समय में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक उस समय कहाँ का राज्यपाल था, उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या बताया, अवंती, अवंतिका बताया गया प्राचीन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती या अवंतिका। अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था ना उस समय उज्जैन का राज्यपाल था अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता, किंतु जो देवताओं को देखने में प्रिय लगे। प्रारंभ में अशोक प्रियदर्शी नहीं था, प्रारंभ में बड़ा निर्दयी राजा था क्योंकि अपने 99 भाइयों का मर्डर करके मगध की गद्दी पर बैठा था। 99 भाइयों का मर्डर करने में 4 साल लग गया था। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों का हो गया कि मौर्य राजा अशोक, यही तो इसी को तो फिर देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ाए 14 नंबर पर गए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। देख रहे हैं ना, अभी हम इस पर नहीं जा रहे, सुन लीजिए हमारी बात, तब यहाँ से हम हटते हैं। ढूंढ लेना आप लोग, हल करा दे रहे हैं, सतर्क रहिए, दिमाग पर जोर दीजिए कि जब से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर हार गया था न, तो अपनी पुत्री का विवाह किया और उसी समय अपना राजदूत बना करके किसको, यूनानी या तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और चंद्रगुप्त आया, मेगास्थनीज इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किया था। इंडिका से मौर्य समाज के कला, समाज मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति की जानकारी इंडिका से। इंडिका किसकी थी, मेगास्थनीज किसका दूत बनकर के आया था, सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर के किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। ढूंढ लीजिए इसमें से, देख रहे हैं ना, कौटिल्य अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, सेल्यूकस निकेटर, युद्ध हुआ था 305, हेलेना विवाह, मेगास्थनीज यही आया था ना। और तो जस्टिन तो अलग है, आगे निकल गए 15 नंबर पे पहुंच रहे हैं हम लोग। ये देख लो 15 नंबर, चंद्रगुप्त वहीं से है, चंद्रगुप्त वही तो है, अभी तो व्याख्या कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, किस विद्या, अभी बता देते हैं कि भारत में सबसे पहला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त अध्ययन किया था तक्षशिला। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या है तक्षशिला से, आपसे कई बार पूछा गया है कि मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो तक्षशिला, इसमें से ढूंढिए। आइए देखिए क्या है कि क्या तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है ना, वैशाली, ये तीनों विश्वविद्यालय पर हम चाहें तो अभी बता देते हैं आपको, तीनों पे आप सुन लीजिए, तीनों आया हुआ है। तक्षशिला, ये तो आपका क्वेश्चन का उत्तर मिल गया, तक्षशिला पाकिस्तान में वर्तमान में, ये नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, गुप्त काल का एक राजा था कुमार गुप्त, ये देखिए गुप्त काल का राजा कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, इतना जानते रहिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में, दोनों बिहार में, नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त, किंतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन, पाल वंश का राजा था धर्मपाल, ये देखिए पाल वंश का राजा धर्मपाल था, धर्मपाल त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था, धर्मपाल गोपाल पाल वंश का, पाल वंश साउथ इंडिया में पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, गोपाल का पुत्र बड़ा महान धर्मपाल बिहार के नालंद बिहार के विक्रमशिला तथा सोमपुरी, दो स्थान है विक्रमशिला तथा सोमपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। धर्मपाल का पुत्र देवपाल बिहार के उदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना कराया था। धर्मपाल का पुत्र देवपाल बिहार के उदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना कराया था। ये देखो पूरा पाल राजा बौद्ध धर्म को मानते थे, हाथियों को बड़ी संख्या में पालते थे, कांसे की मूर्तियां बनाने में माहिर थे,
देखें तीन क्वेश्चन निकाले ना कि पूरा पाल राजा बौद्ध धर्म को मानते थे, हाथियों को बड़ी संख्या में पालते थे और कांसे की मूर्तियां बनाने में माहिर थे। आगे निकल गए हम लोग आगे, ये देखिए कहाँ, पहले क्वेश्चन देखा जाए किस चैप्टर से रिलेटेड है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला सख संबद्ध बता चुके, सख संबद्ध कनिष्क अभी बोले हैं कि 78, देख रहे हैं व्याख्या में ही क्वेश्चन सारा आ रहा है, अभी देख लीजिएगा, अभी नहीं हल कराते हैं, अभी ढक के रखते हैं इसको हम। ये देखिए 78 कुषाण वंश का महान राजा, 78 ईस्वी कनिष्क 78 ईस्वी में अपने राजा बनने के अवसर पर एक सख संबद्ध चलाया था। सख संबद्ध को इंडिया गवर्नमेंट हिंदी महीने कैलेंडर पंचांग के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसका पहला महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। सख संबद्ध को भारत सरकार हिंदी महीने के रूप में कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में, ये देख रहा अब ढूंढ लीजिए इसमें से, मिल तो गया, देख रहे हैं व्याख्या में ही मिल गया, कनिष्क विक्रमादित्य समुद्रगुप्त, ये तो मौर्य वंश का है, ये दोनों गुप्त वंश के हैं, देख रहे हैं ना। आगे बढ़िए 16 17 17 पर पहुंचो आप, 17 नंबर पे आइए, पहले चैप्टर देखा जाए कहाँ से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समय में समकालीन जो भी होगा कनिष्क को बता दीजिए हैं, अभी बता देते हैं कनिष्क के दरबार में चार विद्वान थे ना, अभी रुक जाइए अभी ढक लेते हैं। कनिष्क के चारों का पहले नाम याद कर लो, अश्वघोष बुद्धचरित का लेखक था, नागार्जुन शून्यवाद का जन्मदाता था, शून्यवाद का मतलब संसार शून्य है, और अश्वघोष नागार्जुन वसुमित्र माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक था चरक, चारों विद्वानों का नाम याद रखिए। देखिए क्या पूछा जा रहा कि कनिष्क के समकालीन कम्बन तो नहीं था, कम्बन तो दक्षिण भारत में तमिल रामायण की रचना किया था, कम्बन कम्बन नहीं है, बाण भट्ट ये हर्ष के दरबार में था रचना किया था, दो रचना किया है ना हर्षवर्धन, हर्षचरित कादंबरी इसकी रचना, अश्वघोष ये तो मान लीजिए कनिष्क में है किंतु मेल कराया जा रहा है, नागार्जुन हो सकता है कि ये मेल हो जाए, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष नागार्जुन कनिष्क के दरबार में किसका जन्मदाता, शून्यवाद का जन्मदाता, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में किसका लेखक, बुद्धचरित का लेखक, वसुमित्र कनिष्क के दरबार में माध्यमिक दर्शन, यही है आपका, ये देख रहे हैं ना, धन भी है ये। चलिए चलते हैं 18 नंबर पे, पहले चैप्टर देखा जाए क्या कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है, अरे कनिष्क को तो कहा गया है क्योंकि कनिष्क भी अशोक के समान बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, पक्के बौद्ध सब थे। आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में ना वो तीन बौद्ध अशोक कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, इसीलिए तो अशोक द्वितीय किसको, समुद्रगुप्त को नहीं कहा गया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी नहीं, तो यूनानियों को भारत से खदेड़ा था, कनिष्क द्वितीय इसको इसी को है ये कनिष्क, कनिष्क को अशोक द्वितीय कहा गया है, अशोक द्वितीय इसलिए कि मौर्य के बाद ही ये आए थे सब जो है, तो ये आपका है सी है। आगे बढ़ते हैं, आगे 19 नंबर पर पहुंचते हैं, पहले देखते हैं किस वंश से रिलेटेड है, अभी आप रुक जाइएगा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, अरे यार अभी रुक जाइए इसको मत हल करिए, गुप्त राजवंश, गुप्त वंश को गोल्डन एज कला एवं संस्कृति का खूब विकास हुआ था, सबसे ज़्यादा विकास कहाँ, गुप्त काल में और कुषाण काल में कला के क्षेत्र में हुआ था, कला आर्ट लिटरेचर दोनों ले लीजिए, कला एवं साहित्य में विकास होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी। इसमें से देखिए क्या देख रहे हैं, पहले है देख रहे हैं कला, यही उत्तर है इसका, साम्राज्यवाद राजस्व भूमि सुधार जब नहीं जा भाई, फिर भी हमको पहला उत्तर मिल गया, फिर भी क्षण भर के लिए जरूर इस पर जाइए, अक्सर गलती होती है, इसको सुधार कर लीजिएगा ठीक। चलिए 20 पर चलते हैं, हमको लगता है कि इसमें आपका 20 क्वेश्चन में है,
ये मेहरौली होना चाहिए, महरौली लिखा है, मेहरौली लव अस्तम, लव का मतलब जंग रहित लव अस्तम किसने स्थापित कराया था? अरे गुप्त तो है, गुप्त काल में कुल 6 राजाओं का विशेष रूप से नाम आया, अभी हम बता देते हैं, अभी इसको ढके रहिए, हल मत करिएगा। 6 राजाओं को इसे करने से क्या होगा जानते हैं? कुछ क्वेश्चन याद हो जाएगा, हल करने के लालच में, क्योंकि अभी रघुवंशी सर हटेंगे तब फट से हम हल कर देंगे, ठीक ना। तो गुप्त काल में कुल 5-6-7 राजाओं का ना, 6 राजाओं का विशेष रूप में श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का वास्तविक, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं किंतु हम आगे निकल रहे हैं। तीसरा शासक न इसी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, बड़ा महान पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त सुने रहिएगा, कहीं ना कहीं हल कराएंगे जरूर। समुद्रगुप्त कभी भी किसी राज, समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, क्या नाम है, इलाहाबाद या प्रयाग अभिलेख, क्या बोल रहा है, इलाहाबाद प्रयाग अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त कभी किसी राजा से पराजित ही नहीं हुआ, इसीलिए एक लेखक था, क्या नाम था, विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, संगीत से लभ करता था समुद्रगुप्त, संगीतज्ञ था, सिक्के पर वीणा बजाता हुआ, देख लीजिएगा क्वेश्चन आएगा इस बार, सिक्के पर वीणा बजाता हुआ समुद्रगुप्त, आगे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उपाधि है, शकों पर विजय प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि मेहरौली यही तो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों को जानते रहे, नवरत्न जानते रहिए, नवरत्नों के बारे में कालीदास, देखिए नव को बता दे रहे, कालीदास, अमर सिंह, वाराह मिहिर, बेताल भट्ट, वर रुचि, धनवंतरी, क्षणपक, शंकु, घटकर पर, ये चंद्रगुप्त द्वितीय दिल्ली मेहरौली लव स्तंभ को स्थापित कराया था, और इसके शीर्ष पर भगवान विष्णु के चित्र को अंकित कराया था। तो यही है आपका है मेहरौली लव स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय जोड़े रहेगा, ये जो स्थापित चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से है, गुप्त वंश से है। चलिए चलो बच्चों, फिर हमारी बात सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर आपसे लाइव होते हैं, धन्यवाद। हुँ, 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 हुँ. Mm-hmm.